बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आफरीन फूड कॉर्नर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अंडा अफगानी करी, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होता है। ये बड़े बड़े रेस्टोरेंट और ढाबों में मिलता है। मैं इसे घर पे बनाना बहुत ही आसान तरीके से बनाई हूँ, तो इसको घर पे बनाइए और अपने फैमिली, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए। तो आइए बिना देरी किए हुए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। अंडा अफगानी करी बनाने के लिए सबसे पहले मैं कुछ अंडे ली हूँ, इसको बॉईल करके इसका छिलका उतार के ली हूँ। अभी मैं इसमें एक कांटे चम्मच से इसमें होल कर लूंगी अच्छे तरीके से पूरे अंडे में, ताकि अंडे को फ्राई करते समय इसमें बबल्स नहीं आए और इसके अंदर मिर्च मसाला जाए अच्छे से। आप इस तरीके से अफगानी अंडा करी बनाओगे तो बहुत टेस्टी बन के रेडी होता है। ये बड़े बड़े ढाबों पे मिलता है, आप इसको आसानी से घर पे बना सकते हैं। इसी तरीके से मैं सारे अंडे को फटाफट से कांटे चम्मच से होल कर लूंगी। अभी अंडे को मैं साइड में रख दी हूँ। सब उसके बाद एक पैन में 2 चम्मच तेल ली हूँ और ये कुछ मसाले हैं। एक बड़े साइज प्याज को टुकड़ों में कट करके ली हूँ, लहसुन की कुछ कलियां हैं छील के ली हूँ, अदरक के कुछ टुकड़े हैं, हरी मिर्च ली हूँ और काजू ली हूँ। ये अफगानी अंडा कड़ी बना रही हूँ, इसमें काजू डालना अच्छा रहता है और काजू डालना ही डालना है। अभी इसको मैं थोड़ा सा फ्राई करके लूंगी। इसको 5 मिनट भूनते हो गया है, ये अच्छी तरीके से भुना गया। आप देख सकते कितना सॉफ्ट हो गया मसाला। अभी मैं इसको निकाल लूंगी। एक प्लेट में सभी चीज अच्छे से पक चुका है, इसको मैं लो फ्लेम पे भूनी हूँ। अभी मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूंगी। अभी सारे मसाले को छोड़ दूंगी ठंडा होने के लिए, जब तक इसी पैन में मैं अंडा फ्राई कर लूंगी। अभी पैन में 2 चम्मच फिर से मैं तेल डाल ली हूँ। अभी एक एक अंडा करके इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अंडे को चारों तरफ से घुमा घुमा के अच्छे तरीके से फ्राई करना है। एक जगह पे छोड़ देंगे तो ये जल जाएगा। अंडा मेरा फ्राई हो चुका है, इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा मैं इस पे नमक डाल दूंगी, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, इससे सब मसाला अंडा में चले जाएगा और टेस्ट इसका बढ़ जाएगा। सा हल्दी पाउडर, थोड़ा थोड़ा ही मसाला डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, खाली अंडे में कि सारा अंडे में इसका स्वाद आ जाए। इसको फिर से मैं चारों तरफ से 1 मिनट के लिए और फ्राई कर लूंगी। लो फ्लेम की हूँ, नहीं तो मसाला जल जाएगा। इस स्टेज पे गैस का फ्लेम लो कर दें। कलर मसाला बहुत अच्छा आ गया है, दिखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। इस तरीके से आप अफगानी का अंडा फ्राई करोगे तो अंडा का कलर एकदम अच्छा आ गया है। अभी मैं गैस बंद कर दी हूँ। अभी अंडे को निकाल लूंगी एक प्लेट में। अभी अंडे को साइड में रख देंगे और वो मसाला जो मैं तैयार की हूँ भून के, उसका एक पेस्ट बना लूंगी। मसाला मेरा ठंडा हो गया है, ये बहुत अच्छा भुनाया है। आप देख सकते काजू का भी कलर चेंज हो गया है, सारे मसाले एकदम नरम हो गए हैं। इस तरीके से आप बनाओगे तो बहुत टेस्टी, बहुत खुशबूदार बनेगा। अभी एक मिक्सर में मैं मिक्सी जार ली हूँ, इसमें मसाले का एक अच्छा सा पेस्ट बना लूंगी। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका एक फाइन पेस्ट तैयार कर लूंगी और ये हरा धनिया है ये भी मैं पीस लूंगी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और अफगानी करी बहुत खुशबूदार बनेगा। अभी इसको मैं इसमें नहीं पीसूंगी, इसको अलग से पीसूंगी। अगर आपका जार बड़ा है तो साथ में भी पीस सकते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई ली हूँ, कढ़ाई में अभी मैं तेल डालूंगी। बिस्मिल्लाह। कुछ अच्छे मसाले ले ली हूँ, गरम मसाले, 2 तेज पत्ता है,
आधा चम्मच जीरा है, थोड़ा सा काली मिर्च है, एक दालचीनी का टुकड़ा है, चार हरी इलायची, चार लौंग, इससे खुशबू बहुत अच्छा आता है। अभी गरम मसाला में तेल में ऐड कर दूंगी। मसाले का कलर चेंज हो गया है, इतना ही इसको भूनना है, ज्यादा नहीं, इससे खुशबू आने लगा। अभी मैं जो एक पेस्ट तैयार की थी, अभी ये पेस्ट डाल दूंगी, लेकिन इसको डालते इसको ढकना है, नहीं तो ये हाथ पे उड़ के छींटा इसका आता है एक प्लेट लेने का। बिस्मिल्लाह। अभी 2 मिनट बाद मैं इसको खोल ली हूँ। अभी ये जो कटोरे में लगा था ये मसाला, मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको डाल लूंगी। अभी हरा धनिया जो मैं पीस के ली थी ये भी इसमें ऐड कर दूंगी। कलर इसका बहुत अच्छा आता है, और ये मसाला जब भून के आप डालोगे तो खुशबू बहुत अच्छा आएगा और ग्रेवी बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। अभी इसमें पानी जो खंगाल के थोड़ा सा ये पानी भी डाल दूंगी, और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए भून लूंगी, क्योंकि पहले से मैं इसको भूनी हूँ, सारे मसाले को अच्छी तरीके से मैं पका ली हूँ। अभी मैं इसमें कुछ और मसाला ऐड करूंगी, फिर इसका प्लेट बंद करके 5 मिनट के लिए भूनूंगी। सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड करूंगी, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करें। 1 चम्मच धनिया पाउडर ऐड करूंगी, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1/2 चम्मच काली मिर्च का पाउडर है, 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर है, इस अफगानी को एकदम चटपटा बना देता है, और नमक आप अपने हिसाब से डालें, क्योंकि चाट मसाले में भी नमक होता है, तो उसी हिसाब से नमक डालें। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप देख सकते कितना लो फ्लेम पे मैं इसको पका रही हूँ, नहीं तो इसके छींटे एकदम ऊपर उड़ के आते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करके अभी इसको ढक के मैं 5 मिनट के लिए भून लूंगी, और बीच में इसमें काजू का पेस्ट डाली हूँ, इसको बीच बीच में चेक करते रहूंगी, क्योंकि काजू डालने से तले पे नीचे लगने लगता, जलने लगता है, इसके लिए इसको बार बार चलाने का। मसाला मेरा भुना गया मसाला, कितने लो फ्लेम पे मैं पका रही हूँ, आप देख सकते इसका कलर कितना अच्छा आ गया है। अभी मैं 5 मिनट में मैं इसको 2 बार चेक की थी बीच बीच में, अभी इसमें मैं 1 कटोरी फ्रेश दही ले रही हूँ, खट्टी दही नहीं लेना है, फ्रेश दही लेना है, नहीं तो टेस्ट खराब हो जाएगा। दही को मैं मिक्स कर दी हूँ अच्छे से, ये काजू इसमें डाला है तो ये फटाफट से तलवे पे लगने लगता है। अभी मैं इसमें 1/2 कटोरी फ्रेश क्रीम ली हूँ, अभी इसमें मैं ये ऐड कर दूंगी, आप कोई भी क्रीम ले सकते हैं, मैं ये वाली क्रीम ऐड की हूँ, आप चाहें तो अमूल फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो दूध की मलाई को अच्छे से फेंट के वो भी ले सकते हैं। क्रीम के कटोरी को थोड़ा सा खंगाल के डाल लेंगे, कुछ भी वेस्ट नहीं करेंगे, दही की कटोरी को भी खंगाल के डाल लेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए 5 मिनट के लिए और बना लेंगे। क्रीम और दही डालने के बाद इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है, और ये सब मसाला भुना हुआ रहता है, अंडा भी तला हुआ, तो इसको बनाने में खाली 10-15 मिनट लगता है, बहुत जल्दी बनके ये तैयार होता है, और बहुत ही घर वाले आपके बहुत इसको पसंद करेंगे, बच्चे भी, आप इसको बड़े होटल में ही खाए होंगे, तो इसको कम खर्चे में आप इसको घर पे बनाइए और इंजॉय कीजिए। अभी भी मेरा गैस का फ्लेम लो ही है, ज़्यादा फांस इसको नहीं करना, नहीं तो ये जल जाता है, फिर टेस्ट खराब हो जाता है। अभी मैं इसको ढक के 5 मिनट के लिए और बना लूंगी, लेकिन बीच में मैं 1-1, 2-2 मिनट पे चेक भी करूंगी। मसाला भुना गया है, कलर भी अच्छा आ गया है, तेल भी ऊपर आ गया है, ज्यादा तेल मैं नहीं डाली हूँ, अभी अंडा डालने के बाद ऊपर तेल आ जाएगा, और इसको लो फ्लेम पे बनाई हूँ, अभी इसको वापस से मैं चला दूंगी अच्छे से, फटाफट से ये नीचे लगने लगता है। अभी इसमें मैं 1 गिलास पानी ऐड करूंगी,
आप जितना ग्रेवी चाहते हैं उतना ऐड कर सकते हैं पानी, क्योंकि ये ज़्यादा गाढ़ा ही रहता है, ज़्यादा पतला ये नहीं रहता अफगानी का सालन। आप देख सकते इतना गाढ़ा मैं की हूँ। अभी इसको थोड़ा देर पकाने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। अभी मैं इसमें अंडा जो उबाल के रखी थी वो ऐड कर दूंगी। बिस्मिल्लाह। इस तरीके से आप बनाओगे तो बहुत टेस्टी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल अफगानी करी रेसिपी तैयार होगा। इस तरीके से मैं इसमें मिक्स कर दूंगी और इसको पका लूंगी 5 मिनट के लिए। लेकिन अभी इस स्टेज पे भी गैस का फ्लेम लो ही रखना है, हाई नहीं रखना है, नहीं तो काजू डालने के वजह से ये तुरंत नीचे लगने लगता है और एक बार जब जल जाएगा, मैं बार बार बता रही हूँ, तो इसका टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना अच्छा आ रहा है और खुशबू तो इतना लाजवाब आ रहा है। अभी मैं इसको ढक दूंगी। 5 मिनट हो गया, आप देख सकते कलर मसाला बहुत अच्छा आ गया है और कितने लो फ्लेम पे मैं इसको बनाई हूँ, कितना अच्छा ये ग्रेवी बन गया इसका एकदम गाढ़ा गाढ़ा। अगर आपको और गाढ़ा चाहिए तो इसको और पका सकते हैं 5 मिनट के लिए। बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ है। अगर इस तरह से आप बनाएंगे तो चिकन मटन खाना भूल जाएंगे, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बना है। खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, बहुत लाजवाब। अभी इसमें मैं थोड़ा सा हरे धनिए से गार्निश कर दूंगी। अभी हरे धनिए को मिक्स कर दूंगी। अभी ये सर्व करने के लिए रेडी है मेरा अफगानी अंडा करी रेसिपी। आप इसको कभी भी दावत में या कभी भी इसको बना के इंजॉय कर सकते हैं। बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस मसाला बन के रेडी हुआ है। इसको ठंडा होने के बाद ऑयल और इसको इसका सरफेस पे आ जाएगा। मैं ज़्यादा ऑयल नहीं डाली हूँ क्योंकि क्रीम और दही डालने के बाद सब ऑयल इसका घुस जाता है अंदर, ज़्यादा ऑयली नहीं दिखता है। अभी सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसको नान के साथ, पराठे के साथ, तंदूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा लगेगा। ये चावल के साथ भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने अपने रिश्तेदारों में और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर ऐसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।